दिस इज़ रानी कमलावती रेलवे स्टेशन, जिसका पहले नाम हबीबगंज रेलवे स्टेशन हुआ करता था। अब हम यहाँ से हमारा सफ़र जारी करते हैं और आपको बताते हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए मैं आपको एक बार रानी कमलावती स्टेशन का रेलवे स्टेशन, और आपको मालूम है जो कि है भोपाल की शान, मेरे भाई लोग वहाँ पर हम लोग आए हुए अभी, जो कि भोपाल से डायरेक्ट हम लोग दिल्ली के लिए अभी ट्रेन पकड़ रहे हैं, है ना। दिल्ली और सरप्राइज है, दिल्ली के बाद बताएंगे हम लोग कहाँ जाएं, कहाँ जाने वाले वो आपके लिए एक थोड़ा सा सरप्राइज है, उसको होल्ड करके रखते हैं। तो अब चालू करते हैं अपना। अच्छा, हम जो हमारा जो सफ़र है वो भाई भोपाल की शान मतलब निज़ामुद्दीन से जाएंगे हम लोग। निज़ामुद्दीन भोपाल की शान बोलते हैं ना उसको, उसका हम अंदर आपको दिखाएंगे पूरा, देखना भाई मजा आ जाएगा। स्टेशन में ही फंसते राहु, जैसे ही हम स्टेशन के ऊपर की तरफ पहुंचे तो हमें पूरा माहौल ऐसा लगा कि हम किसी एयरपोर्ट पे आ गए हों। बहुत शानदार, छोटे छोटे आउटलुक टाइप के थे, छोटी दुकानें थी, और एक साइड कोने में हमने देखा कि एक बुद्ध जी की बहुत प्यारी सी प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी। आप भी देखिए इसको। के बाद यहाँ पर बहुत सारे शॉप्स हैं, चलिए मैं उनका एक बार रिव्यू आपको बताता हूँ, देखिए आप उन छोटे छोटे शॉप्स को। यहाँ पर हर प्रकार का, हर मतलब हर टाइप से भाई खाने का सारा सामान है, बच्चों का एंजॉयमेंट का वो भी मैंने आपको बता ही दिया, देख लेना आगे, है ना, ज़्यादा अच्छे से मिल जाएगा। उसके बाद अभी हमारी जो अपन ट्रेन वो नीचे ही है, नीचे खड़ी हुई है, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, जिसका नाम क्या है थोड़ा ये बोलो, सुनाई देना चाहिए अपनी पब्लिक को भाई, डिस्क्रिप्शन में डाल दीजिए। दिल से घुमा रहा है भाई, बोल रहा है मज़ा आएगा मज़ा आएगा। चलो कोई बात नहीं, लगे अपन भाइयों के साथ जा रहे हैं पीछे, तो एक भाई तो हमारा पीछे रह गया है ना, कोई बात नहीं, देखते हैं भाई। ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, कितने पे आएगी अपने वैसे ट्रेन, कितने बजे? 10:40, 10:40, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे आएगी, है ना। फिर अच्छा, हाँ आपको दिखाता हूँ, पीछे देखना बैक साइड पे, ये देखो आप, यहाँ से जाना है भाई, बहुत सुनसान है भाई, भूतिया इलाका है, देख रहे हो आप जरा, एलिवेटेड लग रहा है। बेनिफिट ये है कि इस एलिवेटेड, आपको एंट्री और एग्जिट दोनों में एलिवेटेड मिलेगा, दोनों में मिलेगी, देखो भाई एलिवेटेड देख रहा है भाई, इधर से चल रहा है,
ये कितने आगे पहुंच गया यार मेरे को छोड़कर। अच्छा भाई इधर संभल के, थोड़ा सा सीरिय स्लिप कर रहा है ना, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है भाइयों, मेरे लिए भी रुकना है, थोड़ा सा अंधेरा है उसको एडजस्ट कर। देखो यार पब्लिक लोग आपसे नहीं बोल सकता एडजस्ट करो, है ना, बाकी का इस टाइप से चलना है। मैं दिख रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ? दिख रहा हूँ भाई, ठीक है भाई, लोग तो इतनी जल्दी में है कि बता नहीं सकते। देखो आप मेरे को छोड़ छोड़ के भाग रहा है। अच्छा एक चीज तो है भाई, भाई 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 तुम पूरे दिख रहे हो, हाँ ये भाई लोग दिख रहे हैं, अब दिख रहा है सही साइड, है ना। तो ये सामने देखो दुकानें दिख रही ना, वो दुकानें भी, उधर भी चलना है, उधर भी घूमना है। मिल गई क्या? Yes. क्या कंफ्यूजन हो रहा? नहीं ये तो अपर वाला था ना, ये वाली भाई अपर था ना। अभी कहाँ जा रहे हो? बाय, जाओ आगे मथुरा में मिल जाना, मथुरा में मिलना, मथुरा में। अच्छा 10:40 में यहाँ से ट्रेन स्टार्ट होगी, क्योंकि अपने मेन स्टेशन पे जाके, अभी भोपाल के मेन स्टेशन है वहाँ पर जाके स्टॉप होगी, उसके बाद से फिर जल्दी चालू होगी आगे के लिए, है ना। तो भाई क्या करना आगे, आप इसके आगे को भी दिखाएंगे आपको, भोपाल स्टेशन। चलो तो अपन मिलते हैं भोपाल के मेन स्टेशन।
भाई लोगों को कितने अच्छे से ट्रेन में बैठे हुए हैं। 11:30 करीबन हो रहा है, हम लोग विदिशा के लिए निकले हैं भोपाल जंक्शन से, और ये लोग ऐसे बैठे हैं बिल्कुल ऊपर, देखिए नीचे पूरे सब लोग सो रहे हैं, मतलब तीसरी नंबर की थर्ड फ्लोर पे हैं ये लोग, और मैं अलग बिल्कुल इधर, मैं भी थर्ड फ्लोर पर नहीं हूँ लेकिन जस्ट उनके सामने। बेचारे राहुल भैया की सीट बस परिवर्तित हो गई है। रात को 12:30 बज रही है और ये भाई लोग सब सो गए हैं, मतलब सोए नहीं है, सोने की पूरी तरह से तैयारी कर रहा है। देखिए आप, एक हमारा भाई जो कि सेकंड फ्लोर में है वो तो चले गए हैं, ये हृदेश भैया सोने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है भाई, गुड नाइट, सो आप लोग भी सो, बाय बाय। गाइस ये देखिए भाई लोग, हम लोग उठ चुके हैं, ये एक भाई तो उठ के बैठ गए हैं, गुड मॉर्निंग बोल रहे हैं भाई सबको, है ना, और एक भाई सेकंड फ्लोर पर सो रहा है, कहाँ गए, ये रहा, देखिए आप राहुल भाई, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बोलिए, बहुत छोटा गुड मॉर्निंग बुलवाया जा रहा है जबरदस्ती उनको, गुड उठाया जा रहा है। ट्रेन बहुत अपने बिल्कुल पड़ाव पर चल रही है, 8 बजे तक हम लोग दिल्ली पहुँच जाएंगे। चलिए तो मुलाकात करते हैं दिल्ली स्टेशन। फाइनली हम लोग दिल्ली स्टेशन पे, निजामुद्दीन जो है मेन स्टेशन, वहाँ पर हम लोग आ गए, वहाँ से हम लोग दिल्ली के स्टेशन से बाहर जा रहे हैं। ठीक है, बाहर चलना ना, चलो बाहर चलते हैं। अभी दिल्ली स्टेशन के बाहर हैं हम तीनों। अब देखिए चेतन भाई मिल गया हमें यहाँ पर, है ना, यहाँ का इंदौरी पोहा। अच्छा मिल गया, एमपी का। क्या मिला यहाँ पर? इंदौरी पोहा। इंदौरी पोहा देख रहे हैं आप, जरा दिल्ली में भी इंदौरी पोहा मिल रहा है। चेतन भाई कितने खतरनाक तरीके से वेट कर रहे हैं कि पोहा उनको मिल जाए। पन्ना हमारा भाई बाहर मिल गया है यहाँ पर दिल्ली स्टेशन के बाहर। ये राहुल भैया कहीं व्यस्त चल रहे हैं, देख रहे हैं आप। चलो यहाँ पर अब आगे पूछना तो नहीं है, क्या उसे पूछना तो नहीं है क्या क्या मिला है, क्या क्या पूछना तो नहीं क्या क्या मिला है भाई। हमारी जनता जनार्दन नहीं जानना चाहती क्या क्या मिला है भाई, यही से दिख रहा है, मैं बता दूंगा घर पे जाके सब बताऊंगा क्या क्या मिला रहा है। प्याज है, टमाटर है, पूछो उससे ये क्या है, प्याज है, ये क्या है बताइए, खुद देख रहा है। ऐसे ब्लॉगर मत बनना भाई यार। चेतन थोड़ा सा देखने भी दो, क्या देखो, पोहा नहीं दिख रहा उनको, देख रहा है। ये जस्ट दिल्ली स्टेशन के बाहर ही है, थोड़ा सा बाहर, इसको क्या बोलते हैं इस रोड, हजरत निजामुद्दीन रोड, है ना। तो आइएगा एक बार ट्राई कीजिएगा, बाकी का अपन मिलते हैं नेक्स्ट। कहाँ क्या रहेगा टूर भाई यहाँ से? कश्मीर की, मेट्रो से जाएंगे कश्मीर। मेट्रो से जाएंगे, वाह यार मेट्रो से जाएंगे, मैं फर्स्ट टाइम बैठ रहा हूँ भाई। हाँ ना, तो कश्मीरी गेट पे मिल गया, अब रेडी हो गया हमारा इंदौरी पोहा, रेडी है, ये खा रहा है मस्त। ये देखो ये रहा है, और हृदेश भैया भक्तजनों को भगाते हुए, मैं भी स्टार्ट करता हूँ, खाने के बाद आपसे बात करता हूँ। ये देखिए चेतन हमें धरातल विभाग में ले जाते हुए, ये जो भी है ना, देखो मुझे ऐसा लग रहा है, अरे तो धरती के अंदर बिल्कुल ऐसा लग रही है, आप पाताल लोक में ले जाने वाले हैं चेतन हमें, पाताल लोक में ले जाते हुए। ये हमारा नोएडा वाला भाई, इसको भी आप देखें भैया, यदि इसके भी कोई फ्रेंड ये वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और वो घंटा वाला आइटन है ना, आइकन आइकन, उस पर क्लिक करिए। अबे भीड़ देख रहे हो आप, चलो भाई ये भीड़ है, यहाँ से हम लोग, हाँ देख रहा हूँ ये बोल रहा भाई। पर ऐसा लग रहा है जैसे तीरथ नहीं करते, तीरथ तीरथ जैसी फीलिंग आ रही है भाई। पहले अपन कौन सी लाइन पे थे उससे पहले? पिंक, पिंक, हम लोग पिंक लाइन पे, लड़कियों का फेवरेट कलर जो होता है पिंक, पिंक कलर के उसमें थे। मेट्रो में चल रहे हैं भाई, ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर हम येलो में जाएंगे, येलो के बाद फिर कौन से,
येलो से हम फिर सीधा उसके बाद कश्मीरी गेट पर मिलेंगे सीधा सर। अभी देखिए ये जो है इससे हम लोग डायरेक्टली ऊपर, और हमें गाइड कर रहा है फुल टाइप से चेतन जी, ठीक है, दिल्ली एक्सपर्ट, ठीक है। तस्वीर फुल फॉर्म में देखिए, अब देखा चेहरे पे एक रौनक सी हो गई भाई, कल के ज़्यादा कल के मुकाबले अभी कोई बात नहीं, वो ठीक करवा देंगे। तो चलो मिलते हैं भाई आगे, मेट्रो में फिर से बैठते हैं, जाते हैं उसमें आपको डायरेक्टली अब की बार यार डायरेक्ट बस में मिलते हैं, वहाँ से अपन चलते हैं ऋषिकेश, कैंपिंग वैम्पिंग करेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। उसके बाद ठीक है, थोड़ा सा बैग भारी है मेरा क्योंकि बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, कपड़े वगैरह हैं, तो थोड़ी थकान टाइप की भी लग रही है, ठीक है, मगर कोई नहीं, अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है। चेतन जी कुछ बोल रहा है, क्या बोलना चाह रहा हो? अंडरग्राउंड है पूरा, हाँ, कहाँ से कहाँ, मेरे को तो ऐसा लग रहा है गोल गोल रानी खेल रहे हो। हाँ देख रहे हैं आप, इसके ऊपर बता रहे हैं कि ऊपर पूरा ट्रैफिक चल रहा है, मगर मेरे को तो जालियां दिख रही हैं, ये देखो है ना, घर भी बने, बताओ यार, बिना परमिशन हम लोगों को घर के नीचे घूम रहे हैं यार दिल्ली में, भाई दिल्ली आना, मैं कह रहा हूँ राजा बन के घूमना यहाँ पर, है ना, सो हंस रहे हैं, देख रहा फोन आ रहा है। और हम लोग कश्मीरी गेट आ गए हैं, अच्छा भीड़ भाड़, अब निकल रहे हैं, ये इस पे कुछ सिक्के जैसा डालना है, डाल दें इसमें, ये डाल दिया भैया हमने हमारा टोकन, बंद मत हो जाना भाई, इसका डर लगता है ना बंद हो जाए बाई चांस इस चक्कर में, है ना। तो अब हम यहाँ से जा रहे हैं बाहर की ओर, बाहर जाकर हम लोग डायरेक्टली अब बस को अटेंड करेंगे जो कि हमें सीधा ले जाएगी कहाँ, अरे इसमें बोलो भाई, ऋषिकेश, ऋषिकेश ले जाएगी, ऋषिकेश ले जाएगी, देखो आवाज़ मेरे ऑडियंस को आवाज़ पूरी तरीके से आना चाहिए, है ना। चलिए तो आगे मिलते हैं ऋषिकेश में, ओके, तो बाय।